फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डायरीज। आज हम लोग मार्बल केक बनाने जा रहे हैं। इडली के बर्तन में बनाएंगे, बहुत फटाफट, क्विक, ओवन नहीं, कुछ नहीं और अंडा भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट के लिए दिखा दूँ। इस तरह के दो स्पून्स आते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप लीजिएगा। तो मैं बड़े से मेजरमेंट लेने वाली हूँ सारा। तो चलिए, ये खाली वाला मिक्सर का बर्तन लिया है सबसे पहले, तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो ये दही लेना है, एक, दो और ये तीन चम्मच भरकर मैंने दही लिया है। एकदम ताजी वाली दही है, खट्टी दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, दही हो गया। अब इसी स्पून से हम लोग शक्कर लेंगे नाप कर। तो छह चम्मच भरकर शक्कर लेना है, दो, छह चम्मच भरकर शुगर ले ली है मैंने। अब आप चाहो तो इसमें घी, ऑयल या बटर जो भी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं देसी घी से बना रही हूँ इसलिए मैं ये घी ले रही हूँ। तो ये घी लेंगे नाप कर, एक हो गया, दो, तीन और ये चार चम्मच भरकर घी लेना है। और अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध ले लेते हैं घी कर, तीन स्पून भरकर दूध लेना है। तीन स्पून भरकर दूध ले लिया है और ये सारा इकट्ठा अब हम लोग मिक्सी में घुमा लेंगे। और फिर सिर्फ इसमें मैदा ऐड करना रहेगा। तो इसलिए ये फटाफट आसान तरीका मैंने दिखाया आपको। तो मैं ये मिक्सी में घुमा लेती हूँ एक बार। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी में सही से घुमा लिया है। तो अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बाउल ले लिया है मैंने, ये इस तरह का एकदम थिक पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, हो गया। एक बार इसको भी हम थोड़ा सा सारा जो भी है इसमें लगा हुआ वो ले लेते हैं ताकि मेजरमेंट कम ना पड़े। अब ये मैदा ले लिया है मैंने, ये मैदा मैंने छना हुआ है। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला हुआ है, जो कि बेकिंग सोडा तो इसमें हाफ टी स्पून है और बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ टी स्पून है और बेकिंग सोडा जो है वो 1/4, जो मैंने स्पून बताया था आपको उसी से मेजरमेंट लिया हुआ है। और एक पिंच भर का नमक है। तो चलिए, अभी जो लिया है ये सारा हम इसमें धीरे धीरे कर कर ऐड कर देते हैं। पहले मैंने आधा ही डाला है, लम्स ना बने उस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये अराउंड उसी टेबल स्पून से आठ चम्मच भरकर मैदा ली है मैंने, मैं बताना भूल गई आपको। अगर ज़रूरत लगी हमें तो थोड़ा सा दूध बढ़ा देंगे इसमें, हाफ टी स्पून भरकर लगा तो। उसके पहले मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद है इसका टेस्ट तो डालिएगा, वरना स्किप किया तो भी चलेगा। मुझे इसमें थोड़ा सा दूध की ज़रूरत लग रही है तो मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें दो से तीन चम्मच दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी मैंने ठीक कर ली है, जो कि केक की परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें का आधा बैटर हम लोग इस दूसरे वाले बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोका पाउडर ऐड करना है। हाफ कंसिस्टेंसी इसका जो है हाफ बैटर वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो मैंने एक चम्मच भरकर कोका पाउडर ली है ये इस बैटर में डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी।
से मिक्स कर देते हैं। इस तरह ये तैयार है दोनों बैटर हमारे। इस मिक्सर को हटा देते हैं इसमें से और इसमें दूसरा वाला स्पून डाल देते हैं ताकि हम स्पून से ये सारा बैटर इसमें डाल पाएंगे। तो चलिए, तो ये देखिए मैंने ये इस तरह इडली का बर्तन रेडी कर लिया है। इसे ग्रीस किया था और मैदे से डस्ट करके बाकी का मैदा हटा दिया है। तो ये जो हमारा बैटर तैयार है अब हम शुरुआत करते हैं। ये एक स्पून भरकर पहले व्हाइट वाला डालना है, निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो कोका पाउडर वाला है वो डालेंगे इसके ऊपर। फिर आप व्हाइट वाला डालेंगे एक बार। फिर ब्राउन वाला और एक टूथपिक लेना है अब हमें। इससे हमें अब डिजाइन बनानी है। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छः, इस तरह बनाना है हमें डिजाइन। तो मैं इस तरह के सारे बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो देखिए ये मैंने चारों भर दिए हैं और ये हमारा रेडी है। और इधर मैंने कढ़ाई रखी है प्रीहीट करने के लिए, जो कि प्रीहीट हो चुकी है। तो ये जो है ये अब हम इसमें, मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है तो ये रख देते हैं इसमें। और इसे अराउंड 10 से 15 मिनट हमें बेक होने देना है। इसे कवर कर देते हैं, शुरुआत में 5 मिनट गैस फुल रहेगा, उसके बाद गैस हमें सिम करना है। तो चलिए अराउंड 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे रखा है बेक करने के लिए। एक बार देखते हैं इसे खोलकर। वाओ, ये गैस ऑफ कर देते हैं। ये हमारे केक्स रेडी हो चुके हैं, तब हम इसे निकाल देते हैं, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए ये हमारे केक इस तरह बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इन्हें प्लेट में सर्व कर देती हूँ। तो बच्चों की आपकी बार बर्थडे पार्टी है या कोई फैमिली फंक्शन है तो उसमें आप ये पक्का ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में इसे शेयर कीजिएगा। आज वक्त से वक्त निकालकर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू। बाय।